मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्यों क्यों मम्मी मुझसे इतना नफरत करती हैं? क्या हुआ निकी? ऐसी क्या बात है मुझ में डैडी? मेरा क्या कसूर है? निकी, क्या हुआ? राहुल को खून की सख्त जरूरत है और मम्मी मुझे खून नहीं देने दे रही है। क्यों? अच्छा अच्छा, वो ऐसा है? क्या मैं उसकी बहन नहीं? ये बात नहीं है निकी, दरअसल अमृता सोचती है कि ब्लड देने से कहीं तुम कमजोर ना हो जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ डैडी। मामी मुझे राहुल के लिए कुछ नहीं करने दे रही क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। She hates me. डॉक्टर साहब, आपने बराबर चेकअप तो किया है ना? मैं डॉक्टर हूँ मिस्टर बाटली वाला। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है, तुम जा सकते हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर, मेरे सर में चक्कर आते हैं, मुझे उल्टियाँ आती है, ये सब सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं। आर यू प्रेगनेंट? हो सकता है। हाँ डॉक्टर, तबेपन, ये कैसे हो सकता है? रिलैक्स बॉटली वाला, रिलैक्स, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, मेरा ब्रेन स्कैनिंग तो करवा दीजिए। प्लीज डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। आपको मालूम है अगर मैं मर गया तो कंज्यूमर सेल में आपके खिलाफ केस कर दूंगा। अच्छा, अगर आप मर गए तो आप मेरे अगेंस्ट केस कैसे करेंगे? आप हार्ट के डॉक्टर हैं और इतने हार्टलेस हो, आप क्यों बार बार अपना और हमारा समय बर्बाद करते रहते हैं? मुझे सब मालूम है, राहुल जैन अमीर आदमी है, इसलिए उसको हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कर दिया। माय गॉड, उसके लिए कीमती दवाइयां मिलेगा, उसके लिए प्राइवेट रूम मिलेगा। मिस्टर बाटली वाला, ए बूम काई को मारता है, कान फट जाएगा। एक तो दिल का इलाज तो करते रहिए और कान का पर्दा फट गया तो उसका इलाज कौन करेगा? पहले तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ मिस्टर बाटली वाला। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरा दिमाग का इलाज करो, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी आ रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक बार ब्रेन स्कैनिंग तो करवा दीजिए, इसमें आपका क्या जाता है? ओनली फॉर वंस, प्लीज गिव मी वन चांस, ब्रेन स्कैनिंग तो करा दीजिए। थैंक गॉड यार तेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। एटलीस्ट राहुल जल्दी अच्छा तो हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ राहुल जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, मुझे भी उससे बहुत सारी बातें करनी है। Isn't it strange, मानव? राहुल का ब्लड ग्रुप अपने माँ बाप किसी से नहीं मिलता, ये बहुत ही रेयर होता है यार। यही तो कुदरत का एक और करिश्मा है रजत, शायद इंसान को ये समझाने के लिए कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते जोड़ने से भी बनते हैं, जो बात आज तक राहुल को समझ में नहीं आई। मेरी भी एक बात समझ में नहीं आई, एक्सीडेंट के बाद वो आदमी गाड़ी लेकर भागा क्यों? कम से कम राहुल को हॉस्पिटल तो पहुंचा सकता था। अरे सोचा होगा कि किसी लफड़े में क्यों पड़ूं? वो मेरा लगता ही कौन? राहुल तेरा भी तो कुछ नहीं लगता है, फिर तू क्यों उसको खून दे रहा है? मेरा तो कोई भी कुछ नहीं लगता, शायद इसीलिए सब लोग मेरे अपने हैं। निकी, 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 बात को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। राहुल की बीमारी की वजह से तुम्हारी मम्मी बहुत अपसेट थी, इसीलिए किस्मत पर आया गुस्सा उसने तुम पर निकाल दिया होगा। आपने हमेशा उनकी तरफदारी की है जबकि आप जानते हैं कि गलत वो है। बेटा, अमृता को इस वक्त हमारी जरूरत है, इनफैक्ट इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। जरूरत? मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंसिव फर्नीचर और पर्दों की तरह मैं भी एक शो पीस हूँ जिसे अपने भाई को खून देने का भी हक नहीं। निकी, अमृता का प्यार करने का अंदाज एकदम अलग है। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए बचपन में आंचल फैलाए खड़े रहती थी कि कब मम्मी उसमें प्यार का एक टुकड़ा फेंक दे, पार्टी से आते जाते सर पे हाथ ही फेर दे और मैं खुश हो जाती। लेकिन नफरत कैसे बटोरूं? अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती तो क्या वो तुम्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाती? हाँ पढ़ाती, झूठी शान के लिए, सेठ परिवार के प्रेस्टीज का सवाल था ना। तुम बिलीव नहीं करोगी निकी, तुम्हारी एब्सेंस में अमृता तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। झूठ? सच, एकदम सच। हाँ उसे तुम्हारा जीने का तरीका पसंद नहीं। सब उनकी तरह पैसा कमाने के लिए तो नहीं जी सकते, ना जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है।
सजा नहीं बेटी, जरूरत। उसे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए वो चाहती है कि तुम उसी के स्टाइल से जियो। मुझे भी आप लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो दिल इतना दुखता है। मैडम, राहुल को ब्लड मिल गया है। कैसे, किससे मैच हुआ? उन्हीं के एक दोस्त से। थैंक गॉड। आइए, वो यहीं है। चलो। हेलो आंटी। लेटे रहो। तुम राहुल की क्लास में पढ़ते हो? जी हाँ, मैं बाना हूँ। ओह, तो तुम फर्स्ट आते हो हमेशा। आपको कैसे पता आंटी? ये एक सवाल तो मैं राहुल से हमेशा पूछती हूँ। उसे सेकंड आने पे कंग्रेचुलेट बाद में करती हूँ, पहले ये पूछती हूँ कि फर्स्ट कौन आया। और पिछले दो साल से एक ही जवाब मिल रहा है, मानव। डॉक्टर, इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कोई चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। आंटी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम नहीं जानते, आज से हमारे दिल में तुम्हारे लिए खास जगह बन गई है। मैं यकीन दिलाती हूँ, तुम जब भी जो भी चाहो हमसे मांग सकते हो। नहीं आंटी, राहुल मेरा दोस्त है और दोस्ती में कोई एहसान नहीं किया जाता। मैं बहुत खुश हूँ कि राहुल को तुम्हारा खून मिल रहा है। थैंक यू आंटी। Are you sure वो यहीं हैं? जी हाँ। आपको साहब बुला रहा है। कौन साहब? जिनसे आप मिलने आए हैं। आइए। Not required Indian. मैं तुम्हारी याददाश्त की दाद नहीं दूंगा, मुझे भुलाना इतना आसान नहीं। बात बहुत पुरानी है आशीष, लेकिन घाव बहुत गहरा है पुरुषोत्तम। इनफैक्ट मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पीछे से वार करने वाला कायर होता है और वो तुम ही हो सकते हो। कायरता की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती पुरुषोत्तम। शट अप। अगर मेरे राहुल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हमारे दरमियान 25 साल बीत चुके हैं पुरुषोत्तम, अब मुझे मारना इतना आसान नहीं, वो तो तुम जान ही चुके हो। और इन 25 सालों के दौरान मैं सेठ एम्पायर का राजा बन चुका हूँ। बेहतर होगा तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। मैं इस बार वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ पुरुषोत्तम। हो सकता है तुम ना जाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस भेज कर ही रहूंगा। इस बार मैं तुम्हें सेठ परिवार की इज्जत से नहीं खेलने दूंगा। सेठ एम्पायर के राजा, जो जी में आए कर लो। सेठ एम्पायर को कौड़ियों के मोल न बिकवा दिया तो मेरा नाम भी आशीष नागपाल नहीं। You bloody bastard!
ये बड़ी आंखें किसी और को दिखाना इस दिल के जगह पर अब एक पत्थर है जो 25 साल पहले धड़कता था और जो तुमने और तुम्हारे पूजनीय अर्जुन सेठ ने पत्थर बनाने पर मजबूर कर दिया। ज्यादा आंखें दिखाओगे तो इस छुरी से तुम्हारी आंखें हाथ में निकाल के दे दूंगा। मैं कैसे भूल सकता हूं पुरुषोत्तम, तुम्हारे कारण मैं अपने बेटे का बाप नहीं बन सका। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं ये मानव के डैडी तो नहीं? मानव ने कहा था नहीं फेंको, तू इन्हें कहीं नहीं देख सकता क्योंकि ये मर चुके हैं। हाँ हाँ यस वही है, अभी मैं मानव को जाकर बोलता हूं। राइट डेफिनेट वही है। ए फेंकू इतना मत दौड़, दुबला हो जाएगा। मैंने राहुल को खून दिया है, अब वो बच जाएगा। हाँ? मानव तेरे डैडी की डेथ कब हुई? ये क्या सवाल है? 5 साल पहले क्यों? तेरे पास उनकी एक तस्वीर थी ना? हाँ दिखा। लेकिन माजरा क्या है? ये ले। अरे यार तस्वीर कहाँ गई? किसी ने चुरा ली यार। चुरा ली? कैसे? अरे यार मुझे क्या पता, तुझे तस्वीर की क्या जरूरत? मैंने अभी अभी तेरे डैडी को देखा यार। क्या? हाँ यार लेकिन एग्जैक्टली उनकी शक्ल याद नहीं रही। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरे डैडी को मरे साल हो गए। कसम से यार बिल्कुल तेरे डैडी की शक्ल का था। कहाँ देखा है तूने उन्हें? कहाँ देखा है? अभी अभी क्लब हाउस में। चल अभी पता लग जाएगा। चल हाँ चल। तशरीफ रखिए मिस्टर शर्मा। थैंक यू। तो आप सेठ परिवार को काफी दिनों से जानते हैं? जी। देखिए मुझे बचपन से ही नॉवल के प्रीफेस नहीं भाते, सीधे चैप्टर 1 से शुरू करता था, इसीलिए इधर उधर की बातें न करके सीधी बात करते हैं हम। आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। गुड, तो आप भी सीधी बात पसंद करते हैं। मुझे सेठ का टेंडर चाहिए। मुश्किल है। हो सकता है या नहीं? हो सकता है लेकिन। लेकिन क्या? क्या कीमत चाहिए? साफ साफ कहिए। मुझे सेठ की हस्ती मिटा देनी है, पुराना हिसाब है, उसे चुकाने के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ। कहानी मेरी भी ऐसी है, मुझे अमृता सेठ का गुरूर तोड़ना है, उसे पैसों का बहुत गुरूर है। ओ, तो आप भी अमृता के दोस्त हैं क्या? एक हूं। दोस्ती अमृता के बस की बात नहीं है मिस्टर नागपाल, मुझे उसे सिर्फ एक छोटा सा सबक सिखाना है जो वो जिंदगी भर नहीं भूले, इसलिए मुझे उन सब चीजों से नफरत हो गई है जिनसे वो मोहब्बत करती है। मसलन ये प्रोजेक्ट। और राहुल। राहुल? राहुल अमृता का बेटा इस वक्त अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अमृता उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है और उसकी मौत अमृता की मौत होगी। अस्पताल में क्यों? कोई NRI है जिसने किराए पर गाड़ी ली थी उसने मारा है, और उसका सरनेम नागपाल है। तो अब मैं चलता हूं मिस्टर नागपाल। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें क्यों नहीं भुला पाई, लेकिन अब और नहीं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया एबी। आज से तुम मेरी जिंदगी से मिट जाओगे, मैं सिर्फ पुरुषोत्तम को चाहूंगी।
इसलिए हमारे राहुल को कुछ नहीं होगा। ये आदमी जहां भी जाता है इसकी हर बात की खबर मुझे चाहिए। मानव, मैंने उन्हें यही देखा था यार, मैं सच बोल रहा हूँ। फेंकू, ऐसी बातों में मजाक नहीं किया जाता। मैं मजाक क्यों करूंगा यार, मैंने उन्हें यही देखा था। तू इस बात का मतलब समझता है? मतलब? मतलब ये कि अगर वो जिंदा है तो मेरी माँ ने झूठ क्यों बोला मुझसे? नहीं, मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती फेंकू मुझसे। अरे मेरी माँ मुझसे भला मेरे बाप का परिचय क्यों छुपाएगी? यार मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर वो तेरा बाप है तो वो जिंदा है, और वो जिंदा है तो तेरी खबर क्यों नहीं लेता यार? हे कोई यार, कह दे तूने किसी को नहीं देखा। हाँ यार, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा यार। कहीं वो सचमुच मुझसे बात क्यों छुपाई गई? फेकू क्यों छुपाई गई मुझसे? क्यों? अगर वो जिंदा है ना फेकू, तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मानव, ये भी तो हो सकता है कि वो तेरे डैडी का हमशक्ल हो। यार तूने ऐसा क्यों किया फेकू? क्या फर्क पड़ता था? वो तो मानव के लिए मर चुका था, तूने उसे जिंदा कर दिया। क्यों जिंदा किया? क्यों? मैडम, आप घर जा रही हैं? नहीं, अभी मैं यही हूँ। अगर आप यही हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आऊँ। हाँ, लेकिन जल्दी आना। बस गई और आई। थैंक यू मैडम। अब तो होश में आ जा मेरे भाई, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती। मैं क्या, मम्मी पापा भी नहीं जी सकते। कम ऑन राहुल, प्लीज। मैडम, आपका अर्जेंट फोन आया। किसका फोन हो सकता है? मैं देख के आती हूँ। आंखें खोल के इतना तो कहते कि मत जा। I'll just be back. फोन आया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया था, मैं तो यहीं थी। लेकिन उसने